सर ये बात जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक लतीफा सुनाना चाहता हूँ आपका मूड फ्रेश करने के लिए। मूड फ्रेश होना चाहिए, अगर मूड फ्रेश हो जाए तो दीन की बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये बात हमारे उस्मान भाई को देखकर और कादर अली साहब को देखकर याद आ रही है। वजह इसकी ये है कि कादर अली साहब बहुत हद से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। ऐसे तो हर आदमी मोहब्बत रखता है लेकिन इनकी मोहब्बत हद से ज्यादा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ पर रहकर ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा कोई फैमिली मेंबर यहाँ रह रहा है। वो या हमारे फैमिली मेंबर यहाँ रह रहा है, इतना ख्याल करते हैं जैसे अपने घर का कोई आदमी आया हो तो कितना ख्याल होता है, अपने रिश्तेदार का कितना ख्याल होता है, उससे भी ज्यादा वो हमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन इनकी एक बात क्या है, मौलाना आप कोई चीज बचाओ मत वरना मेरी बीवी मुझे घर में डांटती है। वो इतने बूढ़े होकर बूढ़ी से डरते हैं तो फिर जवानों का तो पता नहीं क्या होगा। मुझे इस वक्त बात ये सुनानी है कि एक बादशाह था, उस बादशाह ने अपने शहर में तमाम लोगों को जमा किया और तमाम लोगों को जमा करने के बाद एक ऐलान कर दिया कि जो मर्द अपनी बीवी से डरते हैं वो एक तरफ हो जाए और जो मर्द अपनी बीवी से नहीं डरते हैं वो एक तरफ हो जाए। आपके यहाँ डरते नहीं डरते मुझे नहीं मालूम, वरना हमारे गुजरात में तो बहुत से लोग डरते हैं। अब बादशाह ने तो ऐलान किया, मुतवर अली साहब सुनने जैसी बात है। अब एक लाइन तो उन लोगों की शुरू हो गई जो बीवी से डरने वाले थे और एक लाइन तो उन लोगों की शुरू हो गई जो बीवी से नहीं डरने वाले थे। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि जो लोग अपनी बीवी से डरते हैं उनको एक अंडा उनके हाथ में दे दिया जाए। अब जो बीवी से डरने वाले थे अपने हाथ में एक अंडा लेकर घर पर जा रहे हैं, दूसरा आया दूसरा अंडा लेकर घर पे जा रहा है, तीसरा आया अंडा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है। लेकिन एक लाइन तो उन लोगों की थी जो बीवी से नहीं डरते थे, जो बहादुर किस्म के थे। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि जो लोग अपनी बीवी से नहीं डरते हैं हर एक को एक एक घोड़ा दे दिया जाए। हर एक को घोड़ा तो समझते हो ना, समझते घोड़ा। अब एक शख्स बादशाह के पास आया, होगा महबूब भाई जैसा बड़ा बहादुर किस्म का, अपना सीना निकालते हुए, बादशाह तुम क्या बात करते हो, मेरी बीवी तो मुझसे इतना डरती है कि घर पर जाता हूं तो वो रोने लगती है, उसका पूरा बदन कांपने लगता है, उसका पूरा बदन लरसने लगता है। बादशाह बड़ा खुश हो गया, क्या इसके हाथ में दो घोड़े दे दो। अब वो तो दो घोड़े देकर घर पर गया। बीवी ने पूछा, अरे दो घोड़े कहां से लाए? तो उसने पूरी दास्तान सुनाई कि आज तो ऐसा मामला हुआ कि बादशाह ने ऐलान कर दिया, तो मैंने तो कहा कि मैं तो अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत डरती है, बहुत कांपती है। तो बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ हम तो आप दो घोड़े लेकर आ गए, लेकिन हमारे घर में सफेद कलर के व्हाइट रंग के घोड़े, व्हाइट कलर के घोड़े पहले से मौजूद है और आप जो दो घोड़े लाए हैं वो व्हाइट कलर के हैं, सफेद रंग के हैं। तो बादशाह से जाकर कह दो कि हमारे घर में तो सफेद रंग के घोड़े पहले से मौजूद है, हमें कोई और रंग का घोड़ा दे दे। अब वो शख्स आया बादशाह के पास, बादशाह सलामत आपने दो घोड़े तो दे दिए, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन आपने दोनों घोड़े व्हाइट रंग के दिए हैं, व्हाइट कलर के दिए हैं और हमारी बीवी कहती है कि व्हाइट कलर के घोड़े सफेद रंग के घोड़े पहले से मौजूद है, बेहतर हो के कोई और घोड़ा दे दो। बादशाह ने वजीर से कहा, गुस्सा आ गया, उसके पास से दो घोड़े ले लो और उसको दो अंडे दे दो। असल की बात मुझे इसलिए याद आई कि हमारे उस्मान भाई हमें दो दिन से चार अंडे खिला रहे हैं, तो मैं सोचता था कि उनको दो अंडे मिले हो, उस्मान भाई को चार अंडे मिले हो। अल्लाह